हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है ये, और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को करने के बाद ऐसा ही आपको और क्वेश्चन देंगे जो आपको बनाने आ जाएगा, ठीक है। और इसी का एक और सेकेंड टाइप है जो हम आपको बताएंगे, और इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन इसका करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ टेन टू ए इक्वल टू कोट ए माइनस 18 डिग्री वेयर टू ए इज एन एक्यूट एंगल, जहां पर बोला है कि टू ए जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल है तो हम टेन एक बार लिख लेते हैं इसको। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, टू ए इक्वल टू कोट ए माइनस 18 डिग्री, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 10 है और ये कोट है, किसी प्रकार से अगर ये हट जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को इस फॉर्म में बदलने का प्रयास करेंगे। तो आपको फॉर्मूला एक याद होगा, एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू कोट, टेन थीटा इक्वल टू होती है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होते हैं टेन थीटा, तो यही हम लिख दे क्या। तो चलो इसी का यूज करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू होती है कोट 90 माइनस थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि बोला है 2a इज एनी एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल होता है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। उसके बीच की जो एंगल होती है वो एक्यूट एंगल होती है। तो हम 90 से माइनस ही लेंगे, प्लस तो नहीं लेंगे। चलो और इधर जो है वो लिख दो a माइनस 18 डिग्री, तो कोट कोट कैंसिल हो गया, तो बच गया 92a, ये हो गया हमारा a माइनस 18 डिग्री। अब ये इधर 2a नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस 18 इक्वल टू a, ये उधर जाकर हो गया पॉजिटिव, हो जाएगा हमारा 2a। बताओ इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 108 होगा, और यहाँ पर 3a होगा, यानी कि 3a इक्वल टू 108, और हमारा a इक्वल टू हो जाएगा 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया हमारा डिवाइड में, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36, यानी एंगल a का जो वैल्यू आया हमारा 36 डिग्री आया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हो गया, जो सिर्फ एक दिया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। और अगर आपको इसी टाइप का क्वेश्चन बनाना है, इसी टाइप का क्वेश्चन बना, तो हम आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आए, आप उसको भी देखिए। ये तो आपका हो गया, मान लो कि इसमें अगला जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उसमें वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ इसे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है तो जरूर पूछना। चलो और देखते हैं हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन। चलो ऐसा वाला जो क्वेश्चन है, ये तो एंगल हो गया हमारा कंप्लीट। अब ऐसा वाला क्वेश्चन और हम देखेंगे, तो अगर इसी के जैसा हम सेम टू सेम प्रोसेस हमारा वही रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन हम आपको बना देते हैं, लैंग्वेज सब वही है, ठीक है ना, लैंग्वेज सब वही है हमारा, बस क्वेश्चन ये है चेंज हो जाएगा कि साइन 2a इक्वल टू कोस a माइनस 30 डिग्री, ठीक है, लैंग्वेज सब वही रहेगा, वेयर हमारा 2a हो जाएगा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी को डाल देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो प्रोसेस हमारा यही रहने वाला है। दिया हुआ है साइन 2a इक्वल टू कोस a माइनस 30 डिग्री, a का एंगल पता करना है। तो चलो हम इसको एक बार फिर से इधर लिख लेते हैं, ऐसे हमने लिख लिया। अब बताओ किसको चेंज करेंगे, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला कोस साइन, क्योंकि साइन को बदलना है, तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होती है कोस 90 माइनस थीटा, सब एक्यूट एंगल वही लैंग्वेज है, ठीक है, तो माइनस ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होती है साइन थीटा, तो साइन के जगह पर हम वही लिखेंगे, क्योंकि इधर कोस है इसलिए हम कोस में चेंज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कोस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर हमारा 2a है, 2a इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2a, और इधर नहीं चेंज करना, इधर रहने दो जैसे वैसे रहने दो, ये हो जाएगा हमारा। अब बताओ कोस कोस कैंसिल हो गया, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 30 डिग्री, ये नेगेटिव में है उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में इधर, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव में, तो हो जाएगा 90 प्लस 30 इक्वल टू a
प्लस टू ए, ऐड करेंगे तो इधर तो हो जाएगा हमारा 3a, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120, और ये हो गया 3a। तो a का वैल्यू निकाला, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो गया हमारा डिवाइड। इसको कट करेंगे 4 × 12 यानी कि 40, एंगल a इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। चलो तो एक और है, सब लैंग्वेज वही है, आप इसको बस एक बार इसको अच्छे से देखो, और इसी सेकेंड टाइप और भी लाइन, यहाँ माइनस है तो प्लस रहेगा तो भी ऐसे बनेगा। चलो तो एक और देख लेते हैं इसका, जो कि प्लस में है। ठीक है, वो प्लस में ले लेते हैं, ये तो माइनस वाला, अगर प्लस वाला रहेगा तो कैसे बनेगा, तो इसका हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है साइन 3a इक्वल टू कोस a माइनस 10 डिग्री। ठीक है, ये सब लैंग्वेज वही रहेगा, इसका आंसर जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं, और ये आपको खुद से बनाना है। ठीक है, साइन 3a इक्वल टू कोस a माइनस 10 डिग्री, इसका आंसर है एंगल a का जो वैल्यू आएगा वो 25 डिग्री आएगा। इसको बनाना ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और भी है आपके लिए, तो ये फर्स्ट होमवर्क हो गया। सेकेंड होमवर्क लिख लो, सेकेंड है कोस 2a इक्वल टू साइन a माइनस 15 डिग्री, इसका जो आंसर है वो भी हम आपको बता दें, ताकि आप सॉल्व करके और आंसर मैच कर सकें। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 35 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर हो गया। और है जो आपको ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का 3 का है, इसमें एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर जो आपको 5 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5, वो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 15 डिग्री। ठीक है, तो ये भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इसको आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। फॉर्मूला याद है तो, क्योंकि फॉर्मूला जो भी है वो 3 होता है और 3 इसका अपोजिट होता है, मतलब 6 होती है, तो उसी के हिसाब से ये बनेगा। यहाँ पर आप इसको बदल दीजिएगा, ये हो जाएगा cosec 90 माइनस 4a और इक्वल टू, इधर में जो है वही लिख दीजिए, cosec cosec कैंसिल हो जाएगा, और इसको a माइनस 4a है उधर भेज देगा प्लस 4a, और इसको इधर ला दीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर है 21 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, 3 आपके लिए होमवर्क है, 3 क्वेश्चन है आपके लिए। अब चलो देखते हैं इसका प्लस वाला। ठीक है, प्लस वाला देखते हैं, मिटाएं इसको, नोट कर लो इसको। चलो अब इसको देखते हैं प्लस वाला कैसे बनेगा। लैंग्वेज हमारा सब वही रहने वाला है, बस क्वेश्चन चेंज होगा। जैसे कि हमारा 10a इक्वल टू कोट a प्लस 10। ठीक है, 10a इक्वल टू कोट a प्लस 10, अब बताओ ये कैसे बनेगा। ये तो नेगेटिव था, अब यहाँ पर पॉजिटिव, सेम प्रोसेस वही होने वाला है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो तो इसको बदलते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो है ये सब एक्यूट एंगल है, लैंग्वेज सब वही है, सॉल्व करते हैं। इसको पता है कि हमको बदलना है किस में, कोट में, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस ए, उधर है कोट, उधर नहीं चेंज कीजिए, उधर रन दीजिए, ये हो जाएगा। अब कोट कोट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ये बचेगा। ठीक है, अब ए इधर नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव। कुछ स्टूडेंट करेंगे क्या कि काट देंगे, नहीं कटेगा नहीं, इधर नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आप गलती कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2a और ये बताओ कितना हो जाएगा 80, यानी कि 2a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, यानी कि a इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो ये था सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, मतलब पॉजिटिव बोला है वो। ठीक है, और इसी का एक और हम वीडियो बनाएंगे, जो कि आपको उसमें मिलेगा कि क्वेश्चन अगर इस प्रकार से रहे, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से रहे, देख लो 20 प्लस थीटा इक्वल टू कोस 30 डिग्री, ऐसा रहे तब कैसा बनेगा, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो बताना दोस्तों कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, और आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।